हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेक वर्स। तो दोस्तों, आज हम इंस्टॉल करेंगे एलडी पिलर का 9th वर्जन। ठीक है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिनों पहले ही। तो मैंने जब चेकआउट किया तो बढ़िया लगा मेरे को, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंस्टॉलेशन के पहले जो है डाउनलोड कहाँ से करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, इसकी ऑफिशियल साइट जो है। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले चल देते हैं गूगल पे, गूगल एंटर। यहाँ से लिखना है आपको एलडी प्लेयर लिख दिया हमने, एंटर मारते हैं। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑफिशियल साइट इसकी, इस पर एंटर करते हैं। इस पर एंटर करने के बाद यहाँ दिख रहा है आपको LD Player 9 और ये LD Player 4। हमें LD Player 9 पे क्लिक करना है। प्रीवियस वर्जन भी दिख जाएंगे आपको बहुत सारे। यहाँ नीचे दिख रहा होगा LD Player 4 का, LD Player 4 64 बिट। ठीक है, हमें क्या करना है, 9 इंस्टॉल करना है, तो 9 पे क्लिक कर लेते हैं, 9 डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। वैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे को डाउनलोड पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मली, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, इंस्टॉल करने में आपने पहले भी शायद इंस्टॉल किया होगा इसे। यहाँ देखिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सेटअप पाथ पे चले जाते हैं। यहाँ से अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं आप। ये देखिए, अब यहाँ से अगर आपको ये एडिशनल सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करना है। मैंने गलती से एक्सेप्ट कर दिया था, यहाँ से रिजेक्ट कर देना है आपको। ये देखिए, अवस्थ पे जो है अवस्थ शो कर रहा है, यहाँ रिजेक्ट करना है आपको। ये अवस्थ डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा नहीं तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 400-500 MB जो भी लगे आपका वो लेगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं इसके अंदर फंक्शन कुछ अच्छे मेज़र हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो ओल्ड वर्जन जैसा ही फंक्शन हो। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो दिख रहा है। सबसे पहले आप एलडी प्लेयर को या कोई भी एमुलेटर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसे में ये चेकआउट कीजिए कि सेटिंग में क्या क्या दे रखा है उसके। ठीक है, बाकी ऐप वगैरह तो इंस्टॉल हो ही जाते हैं लेकिन सेटिंग्स उसकी बढ़िया है नहीं है। फ्रेमवर्क क्या दे रहा है अपना, आपका सिस्टम कितना आपका रैम खा रहा है, जो भी है आपका। ठीक है, वो सारी चीज़ें ज़रूर चेकआउट किया कीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर खुल गया है आपका, इसका खुद का स्टोर है। ठीक है, प्ले स्टोर टाइप का है ये। अब मेरे को लग नहीं रहा इससे कुछ इंस्टॉल होता होगा अभी। ठीक है, ये देखिए रिकमेंडेशन में ये सारी शो कर रहा है, इसमें कुछ भी मेरे लग नहीं रहा है हमारे लायक कुछ है। ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी हमें कुछ खास। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं साइन इन। देखिए यहाँ पर साइन इन मांग रहा है इसका मेम्बरशिप का, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं जो हम इसको देते फिर। तो इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, हम चलते हैं होम पे। अब होम पे क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आपको साइन इन करना पड़ेगा आपके जो जो भी उसमें है। ये देखिए, सबसे पहले सेटिंग में चल के देख लेते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने मोड्स हैं, क्या हैं, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कुछ भी ऐसा नहीं है, 2 कोर 1 कोर 4 कोर जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जितने रैम देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर। ये एडिशनल सारी चीज़ें दे रखी हैं अलग से, आप जितना जनरल यूज़ करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें शो कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैन्युफैक्चरर वगैरह सब शो करता है, 120 FPS शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सारा कुछ आपका जो है शो कर रहा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है और थोड़ा सा बढ़िया ही है। आपको अलग अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं इसकी। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा, शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं सारे। आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट रख करके रख सकते हैं ये शॉर्टकट्स, बाकी आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप खोलते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात ये है, इसमें वॉलपेपर इसका अलग से दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये रहा वॉलपेपर्स, ये देखिए। अब वॉलपेपर हमने चेकआउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, चेंज भी कर सकते हैं वॉलपेपर, और है नहीं कि इसमें कुछ खास। ठीक है, अब अपना देख लेना, जिस हिसाब से आपको सेटिंग करनी है उस हिसाब से आप सेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं जो भी आपका, आप प्ले स्टोर पर चलते हैं एक बार, प्ले स्टोर पर कुछ डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्ले करके देख लेते हैं क्या क्या इशूज़ आते हैं कुछ, या फिर भैया स्मूथ चलता है। ठीक है, तो साइन इन करते हैं। साइन इन आपको फटाफट कर लेना है जल्दी जल्दी से। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लेगा।
मैं खुद अपना साइन इन भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ से परमिशन देनी है आपको, ये देखिए आई एग्री, ठीक है। नेक्स्ट पे चलना है, बैकअप चाहे तो रख सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंस्टॉल करते हैं कोई बेसिक गेम, छोटा सा गेम इंस्टॉल करके जो है प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा चलता है आपका, ठीक है दोस्तों। ये 132 MB का गेम है, यहाँ से प्ले करते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, ये पता नहीं पहली बार मैंने डाला है इसको, चेक कर रहा हूँ क्या है इसमें। चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हैंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बाकी एक बार लार्ज गेम जो है आप इंस्टॉल करके जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लेना और बता देना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, कमेंट में ज़रूर डाल देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।